आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम बिहार का, तो रुक करते हैं बिहार की पहली खबर की ओर, जहां खबर ठाकुरगंज के चुरली पंचायत में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क मरम्मत के कार्य में अनियमितता पर आम नागरिकों के विरोध के बाद अब राजद विधायक सऊद आलम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले विधायक सऊद आलम ने ही योजना के तहत सड़क दुरुस्त करने का काम किया था, वहीं अब मरम्मत कार्य में घोर अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। खबर बिहार के मोतिहारी के घोड़ासन थाना क्षेत्र के एक आवासीय घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर अग्निशमन दस्ता और पुलिस की टीम पहुंची, जिसमें किसी तरह से बंद लोगों को बाहर निकाला जा सका। घर में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खबर बिहार से है, जहां भारत सरकार की एडिप योजना के तहत सोगरा उच्च विद्यालय के मैदान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार उपस्थित रहे। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार का एक मिनी रत्न उपक्रम है, वहीं जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के तत्वाधान में काम कर रहा है। आपको बता दें कि एडिप योजना के अंतर्गत कुल 1160 दिव्यांगजन लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था। जो केंद्र द्वारा जो है और सरकार के सहयोग के साथ हो रहा है, ये एलिम्फो एक कंपनी है जो मोटरसाइकिल जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आज जो पहले से रजिस्टर्ड लोग जो थे, जो दिव्यांगजन थे, उनको आज हम लोग मोटरसाइकिल देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये पूरे नालंदा में भिन्न भिन्न प्रखंडों में ये कार्यक्रम होगा, लेकिन आज हमें स्पेशली सिर्फ बिहार शरीफ में देने का काम करें। बता देता हूँ, 82 मोटराइज ट्राई साइकिल है, 493 ट्राई साइकिल है, 213 फोल्डिंग व्हील चेयर है, इसी तरीके से 598 बैसाखी है, 78 गो वॉकिंग स्टिक है, इसी तरीके से लोगों को ब्लॉक बाई ब्लॉक बांटने की व्यवस्था की गई है और आज सिर्फ ट्राई साइकिल। खबर नालंदा से है, नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र के नालंदा कॉलोनी में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही युवती ने अपनी असफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाई और फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली, जिसकी जानकारी पड़ोसी ने पुलिस को दी। मृतका का पहचान हरनौत थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गाँव निवासी स्वर्गीय अवध प्रसाद की 26 वर्षीय पुत्री शोभा कुमारी उर्फ नेहा के रूप में की गई है। वही घटना के संबंध में लहेरी थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा में असफलता होने की वजह से, यानी कि असफल होने की वजह से छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। खबर नालंदा से है, नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में तकिया कला गांव में शराब तस्करों ने पुलिस के मुखबिरी के शक में मां पुत्र को पीट पीट कर घायल कर दिया। जख्मी युवक सुले केवट का पुत्र रोशन कुमार घायल है, वहीं मां पुत्र को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में जख्मी रोशन कुमार ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व सूरज कुमार को एक्साइज विभाग ने दारू बेचते हुए बाजार में पकड़ लिया था। आज जब सूरज कुमार जेल से छूटकर घर आया, तो छूटने के बाद गांव पहुंचते ही पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाकर रोशन कुमार के घर पर चढ़कर गाली गलौज करने लगा। परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी पीट पीट कर घायल कर दिया गया।
दारू बेचता है सर, दारू में बाजार में पकड़ाया सर। कहाँ बेचता है दारू? गांव में चुराता है सर, मार्केट में डील करता है, मार्केट में डील करता था। एक साइज भी लगा लोगों उसको पकड़ के मार्केट से लेके गया सर, उसके बाद में छूट के आया, उसके बाद में बोलता है कि रोशन तुम भी रोशन खबर देता है, इसको घर पर 10 गुंडा मिलकर चढ़ के मारा हमको बाले बच्चे को। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।